पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर सिंगिया में भी जमकर सरकार का विरोध होने लगा है। आइए हम दिखा रहे हैं माले के नेता रामचंद्र प्रधान, कांग्रेस के प्रोफेसर सिंह और शिक्षक बसंत सिंह ने क्या कहते हैं, किस तरह विरोध कर रहे हैं। उनको यह उपहार मिला है कि वह आज वह जेल और जेल में भी हर प्रॉब्लम के चलते उनको पीएमसीएच भेजना चाहिए था, यह सरकार ने किया है। उन्होंने क्या कहते हैं छपरा के सांसद निधि का दुरुपयोग करने के बिहार में जो उजागर किया है उसके बदले में उनको यह उपहार मिला है कि वह आज वह जेल में और जेल में भी हर प्रॉब्लम के चलते उनको पीएमसीएच भेजना चाहिए था, यह सरकार पूरी नियत से उनको पीएमसीएच। आज हम तमाम विरोधी दल के लोग इस बात का विरोध करते हैं, सरकार की भर्त्सना करते हैं कि वैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वैसे तो जाप के क्या कहते हैं महासचिव पूरा बिहार में कोरोना मरीज को मदद कर रहे थे, पूरा जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराते थे, मानवता के लिए काम करते थे, उनको अभी गिरफ्तार करके जेल के अंदर में डाल दिया, इसे पूरा बिहार की जनता मरवाहित है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसे सत्ता की साख गिरी है। ये डबल इंजन की सरकार मुख्य रूप से ये कोरोना महामारी के नाम पर एक दफली बजा रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है, किसी भी तरह की सुविधा नाम की चीज ही नहीं है, चाहे वो डीएमसीएच हो या पीएमसीएच हो या अन्य अस्पताल। और खास करके अभी के परिस्थिति में केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों, उनके जो विरोधी लोग हैं, जो उनके मैंने क्रियाकलाप को उजागर करने का काम करते हैं, उसके रिएक्शन में वो तमाम लोगों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी रूप से। इसका जीता जागता उदाहरण अभी पप्पू यादव जी हैं, जो पप्पू यादव जी का बैकग्राउंड क्या है उनको इससे नहीं मतलब, लेकिन अभी फिलहाल इनका जो कार्यक्रम हो रहा है वो बाढ़ का सवाल हो या कोरोना के सवाल पर, सामुदायिक किचन के सवाल पर, उनके जो वॉलेंटियर्स हैं, उनके जो सिंपेथाइजर हैं, उनके जो लोग हैं, वो तमाम विपक्ष की भूमिका में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और इससे जनहित में समाज के तमाम वर्ग के लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए सरकार इस बात से मर्माहित है कि कहीं ये विपक्ष, हम ऊंचे ऊंचे दुकानदार हैं, वो अगर सामान महंगा में बेचते हैं वो सीधे कहते हैं कि कोरोना के चलते हमको किराया ज्यादा लग गया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि निश्चित रूप से सिंगिया प्रखंड के अंतर्गत भी, चाहे वो वाहन टेम्पू वाहन हो या अन्य वाहन हो या किराना दुकानदार हो या अन्य सामग्री जो महंगाई में बिक रही है उसके ऊपर कार्रवाई करें यहाँ का स्थानीय प्रशासन। अगर स्थानीय प्रशासन इस कार्रवाई को नहीं करती है तो हम तमाम विपक्ष मिलकर और हम भाकपा माले के लोग भी उस आंदोलन में शिरकत करते हुए इनकी जो कारगुजारी है हम उसको जो है सो चलने भी लोग मरे हैं, हम उनके प्रति मन की बात करें और तमाम लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें इसी बात